करने हैं और उसके बाद इसको पैक कर देना है, जिससे मैच हो गया लेकिन पेंट उसका खुश्क नहीं हुआ। फिर दोबारा पेंट करवाया। बाकी जो वीडियो एडिट करने वाला भाई है ना, वो बहुत ढील है भाई। स्पॉइलर की कंडीशन कुछ इस तरह है कि ये पड़ा हुआ है जी स्पॉइलर, आप चेक करें कंपाउंड करो जल्दी जल्दी। क्या सो गया? नींद नहीं लग रहा, सो गया दार चुके हैं जिनके घर हमने गाड़ी का प्रदान करना है आज रात से। आइटम हमें अभी अभी ऐसे हो गया, इसको खोल के चेक करते हैं। ओए होए होए, उस आग इतनी मिट्टी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इसके दो तीन काम हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं और उसके बाद इसको पैक कर देना है, जिस तरह ये आपके सामने है ग्राउंड में खड़ी होती है हर टाइम। और आज भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे ही इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो इसको कुछ दिनों के लिए इसको पैक करने जा रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड की तरफ। इसका काम शाम करवा के, ऑयल चेंज करवा के, और उसके बाद इसका आज स्पॉइलर इंस्टॉल करना है। स्पॉइलर का इसमें मसला ये है कि स्पॉइलर को एक मरतबा मैंने पेंट करवाया, पेंट सेम टू सेम मैच हो गया लेकिन पेंट उसका खुश्क नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, उस चीज़ की समझ नहीं आ रही। फिर दोबारा पेंट करवाया और दोबारा भी सेम वही सूरत हाल। फिर दोबारा उसको एक मरतबा सारा छील के ऊपर से रगड़ाई करके फिर वो पेंट किया पेंटर ने, यानी तीन मरतबा पेंट हो चुका है। तो अब तीसरी मरतबा उसने सारा उसको रगड़ाई करके छील छूल के उसको दोबारा पेंट किया। अब देखते हैं कि वो अभी तक खुश्क हुआ या नहीं हुआ। कल तक तो मुझे लग रहा था कि वो खुश्क नहीं हुआ, आज दोबारा उसको एक मरतबा फिट करके रफ लगा के कंपाउंड पॉलिश करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे अपनी लाली के ऊपर। और उम्मीद है कि तब तक वो खुश्क हो चुका होगा। पिछले दिनों बड़ा नाच नचाया इसने मुझे, वो एक तावला था वो खुलवाना था, मेन पुल्ली वाला समझते होंगे आप, क्योंकि पुल्ली इसकी जो थी ना वो फिर चुकी थी। वो कावला खुलवाने खुलवाने में इसने मेरे कोई दो तीन दिन लगा दिए। उसकी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका कि भाई उसके अंदर मैं जलील बड़ा हूँ। अब चलते हैं जी शॉप पे, इसका स्पॉइलर का काम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो वीडियो एडिट करने वाला भाई है ना, वो बहुत ढीला है भाई। उसको जितनी मरतबा कहूँ ना, वो कहता भाई मैं कुछ मैं कहता हूँ भाई कब का कह रहा हूँ, मैं व्लॉग एडिट करते व्लॉग एडिट करते, तो मैं अब इधर जा रहा हूँ मैं इधर जा रहा हूँ मैं आप उठाऊँ। बस यार बंदा क्या करे, अब कोई नहीं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। बाकी व्लॉग का ये फ़ायदा होता है मुझे, एक मेरी जो याद है ना वो एक सेव हो जाती है और कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता होगा, पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, उम्मीद करता हूँ कि मिलता ही होगा। क्योंकि भाई हर बंदे का जो गाड़ी बनाने का तरीका वो अलग है, मेरा अलग है आपका अलग होगा, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाता है। नहीं जी शॉप पे मैं पहुंच आया हूँ और स्पॉइलर की कंडीशन चेक करवाते हैं आपको। स्पॉइलर की कंडीशन कुछ इस तरह है कि ये पड़ा हुआ है जी स्पॉइलर, और इसके ऊपर ये नहीं नज़र आया आपको, फ्लैश ऑन करता हूँ एक मिनट, ये आप चेक करें जी। इसके ऊपर ये पेंट करवाया है लेकिन ये पेंट के ऊपर जिस टाइम अंगूठा दबाऊंगा ना, तो अंगूठे का वहीं पे ना फिंगरप्रिंट बन जाएगा, तो ये मसला आ रहा है इसके साथ। दो तीन मरतबा पेंट करवा चुके हैं लेकिन ना पेंटर की समझ में आ रहा है ना मेरी समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ हो गया रहा। चलो खैर अब इसको रफ लगवा के कंपाउंड पॉलिश करवाते हैं और उसके बाद फिर फिट कर देते हैं, अल्लाह का नाम लेंगे, देखी जाएगी फिर जो भी होगा। ए छोटे बट्टी बात सुन, जल्दी आ,
इसको रफ लगाओ और इसको कंपाउंड करो जल्दी जल्दी या। है सो गया मेहनत नहीं लगना सो गया देख लो देख लो जोर ला दो बाल चल इन रफ ला सोना करके उस बाद इसते कंपाउंड ला दे स्पाइलर जो है वो तो मैं दे आया हूँ पेंटर साहब को और उन्होंने कोई 15 से 20 मिनट का टाइम दिया और अभी मैं थोड़ी सी वीडियो देख रहा था अपनी जो मैं रास्ते में बनाता हूँ तो उसके अंदर मेरा चेहरा जो है वो इतना हरा था उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा। बाकी तब तक अगर ये डग बेला होता है तो हम ऑयल चेंज करवा लेंगे नहीं तो अगर स्पॉइलर आता है तो फिर स्पॉइलर को हम फिट करेंगे। लेकिन जी लाइट भी चली गई और स्पॉइलर भी हमारा आ गया लेकिन ये अभी भी जब ये भाई लेके आया पेंटर साहब आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ तो जहाँ पे उसने हाथ लगाया ना तो हाथ उसके पूरे वो उसके ऊपर निशान डल गया पता नहीं ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा फोकस करके चेक करता हूँ ये चेक करें यहाँ पे उसके फिंगर प्रिंट बन गए ये फिंगर प्रिंट और ये फिंगर प्रिंट बाकी कंपाउंड और पॉलिश उसने नहीं की कंपाउंड की है फिलहाल। बाकी इसको अब अल्लाह का नाम लेके फिट करते हैं वो और जलील नहीं हुआ जाता मेरे से। और इसकी जो लाइट है वो यहीं पे पड़ी थी और जो हमारे शहर की लाइट है वो तो चली गई है। ये इसकी लाइट है ओरिजिनल स्टेनले और इसके पेज भी मैंने संभाल के रखे थे वो भी उठा के तो अब इसको फिट करते हैं अल्लाह का नाम लेके बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। ये हमारे बहुत ही प्यारे लोधी भाई पधार चुके हैं जिनके घर हमने गाड़ी का प्रदान करना है आज रात से जगह खाली करा दी गई है टोटली। अच्छा दो चार कैरी डब्बे खड़े थे वो भी जिनके तुमको वापस भेज भाई कैरी डब्बा एक ना खड़ा हो मैं बता रहा हूँ तेरे को मैंने दीवार के साथ खड़ी करनी है अपनी गाड़ी। बिल्कुल जगह खाली करवा दी है उसके इर्द गिर्द गार्ड्स जो है तैनात कर दिए बस ठीक हो क्या क्या बोला तूने एक पहले क्या बोला चल हो गया ठीक है ढोल वाला शाम को बुलवा लिया ये पंप लगा के चेक कराओ सर इसको खासी है मनुष्य लगलो मत करो रन लो थैंक यू बॉस। अच्छा तो भाई एक और आइटम हमें अभी अभी रसी हुई है इसको खोल के चेक करते हैं और आपको भी चेक करवाते हैं ये कौन सी आइटम मैंने मंगवाई है। लोधी साहब ये इधर आया इस कपड़े में से बाहर निकालना है इसको अरे ये तो पट्टा मंगवाया रे तूने गाड़ी का ये तेरा मंगवाया पट्टा ये है जी टायर स्टिकर्स। अबे तुम तो ये क्या लिखा है ये फाल्कन लिखा हुआ है फाल्कन जो टायर के स्टिकर्स हैं हाँ ये तुम महीने में कितना चेंज करते हो नहीं ये मैंने अब चाइना से मंगवाए हैं पहले एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे माशाल्लाह कैसे लगेंगे बहुत चला तेरे जैसे नहीं लगेंगे वैसे हमारी वेबसाइट विजिट करें ये चीज तो भाई ये अभी इसकी लाइट और अब इसकी लाइट को इसके अंदर फिट करते हैं कोई इंस्टॉल कर देते हैं अल्लाह का नाम लेके पहले इतने दुख हैं तो ये छोटा सा दुख हमारा क्या कर लेगा बात तो सही है ये टेप करके पेंटर को दी थी मैंने ताकि ये जो इसके क्लिप हैं ये ख़राब ना हो इसके अंदर पेंट ना जाए और इसका ये ग्रिप है जी इसको मैं फिट करके फिर आपको चेक कराता हूँ और फिट हो जाए। इसकी लाइट की जो फिटिंग का काम था वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर लिया और अंदर से इसके क्लिप भी लगा दिए और यहाँ पे एक मसला आ रहा है जो हमारा पहले वाला स्पॉइलर था उसके यहाँ पे काबले लगते थे लेकिन इसके काबले जो हैं इसके अंदर से बाहर आए हमें और सुराख जो है वो मैंने डिग्गी के अंदर एक एक किया हुआ है। अब हमें इसका एक काबला जो है वो उड़ाना पड़ेगा या ये वाला अब चेक करते हैं रख के कि हमने कौन से वाला काबला इसका जो है वो उड़ाना है तो फिर हम उसको उड़ाएंगे तो उसके बाद इसको फिट करेंगे। चलते हैं जी अब इसको रख के चेक करते हैं। नहीं जी ये इसके
ऊपर रख के चेक किया, जो इसके आगे वाले काबले हैं वो हमारे काम आएंगे और जो पीछे वाले काबले हैं वो इस टाइम बिल्कुल फ्री हैं, जिनको हमने उड़ा देना। अब जल्दी से इसको खोलते हैं और जो काबले हैं उनको उड़ाने का काम करते हैं। तो दोबारा से इसको मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में ले आया हूँ। तो इसकी मैंने जो चेकिंग की है वो ये की है कि इसको जो है उड़ाना पड़ेगा हमें, तो इसको सारा खोलना पड़ना है। इसके नीचे तीन चार पेज हैं, इस साइड से मैंने उतारे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक दो तीन और ये चार, और इसी तरह इस साइड पर भी है। इसको सारा खोलते हैं और इसको अलग करके फिर इसकी रगड़ाई करके इसको बिल्कुल ही फारिग करते हैं। भाई सारे काबले खुल गए हैं, ये तीन मेरे हाथ में है और ये कड़ी करके बैठा हुआ है जी। इसको जंग भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये एक यहाँ था वो भी खोल लिया, दो यहाँ थे वो भी खोल लिए। अब ये है, ये हमें तंग कर रहा है। कोई नहीं, चलो ट्राई करते हैं इसको खोलने की। खोल के फिर आप लोगों को इसका चेक करवाते हैं कि कटिंग किस तरह करनी है। ये जी आपके भाई ने दोनों साइडें इसकी कामयाबी के साथ खोल ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप चलते हैं इसको जाके उड़ाते हैं और दूसरी साइड से इसको उड़ाते हैं। ये जी मशीनरी है इसको चला के, अब ये दोनों के दोनों अपने पेज उड़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से। जितना भी मेहनत मजदूरी वाला काम था वो हमने सारा का सारा कंप्लीट करके रख दिया। इस साइड से भी फिट कर दिया और इस साइड से भी फिट कर दिया मुकम्मल तौर पे स्पॉइलर, और यहाँ पे एक तार का पीस लगा दिया हमने जिसका कनेक्शन है जी इस ब्रेक लैंप के साथ, जो कि हम ब्रेक लैंप वाली वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब चलते हैं जी इसको फाइनलाइज करते हैं, इस पर जाकर फिट करते हैं अपनी लाली के ऊपर। जो पहले वाला स्पॉइलर है वो भी मेरी ट्रंक में पड़ा हुआ है, गाड़ी के मेरे नहीं गाड़ी के ट्रंक में पड़ा हुआ है, और वो इस वजह से हर टाइम लगा के नहीं रख सकते क्योंकि उसके पीछे आपको पता है जो मैंने स्पॉइलर कैप इंस्टॉल की है तो गाड़ी के ऊपर कपड़ा डाल के रखना पड़ता है, जिस वजह से फिर उसके ऊपर कपड़ा नहीं आता, फिर उसको उतारना पड़ता है। उस वजह से मैंने ये स्टेप लेने का इंतखाब किया और अब इसको परमानेंटली लगा देंगे। और जब कभी भी हम शो में गए तो हम शो में उस स्पॉइलर को इस्तेमाल करेंगे और आगे पीछे इस स्पॉइलर को इस्तेमाल करेंगे। इसका राग ऊपर कंप्लीट कर लिया। इसकी वायर यहाँ से लेकर इसके साथ हमने ज्वाइंट कर दी है और अब इसकी लाइट लगा के आप लोगों को चेक करवाते हैं।
ये चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका स्पॉइलर इसका गया था मैं पार्क वहाँ से सारी पार्क की मिट्टी में रखता वो गाड़ी के अंदर ले आए। चले अब इसका ऑयल जो है वो चेंज करते हैं और ढक पे लगा के। वैसे सही है चल नहीं जाती और चार हजार और चलेगा। चीटिंग करता है तू सही है तुम काफी ज्यादा काला हो गया मेरी समझ में नहीं आई और ये मेरे ख्याल में कोई ओवर चलता रहा। इसलिए हम लोग पेशावर भी गए थे और उसके बाद एक मरतबा लाहौर भी गए थे और फैसलाबाद भी 3-4 मरतबा चक्कर लगा लिए। चलो शुक्र है टाइम से याद आ गए। क्या बोला तूने? ये है जी हमारा ऑयल जो हम इसमें डालने लगे हैं जी। अब इसके ऑयल का काम कंप्लीट करते हैं। लाली के आज जितने भी 2-3 काम थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो इसका जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल कर दिया है और दूसरे नंबर पे ये गाना बंद कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो इसका ऑयल वगैरह था नीचे से नट बोल्ट थे सारे हमने चेक कर लिए और अब इसको हमने लो दिया उसके अंदर और इस टाइम हम मोदी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। वो मैंने सुना है कि अब कि हिम्मत नहीं पड़ेगी गाड़ी निकालने की। क्या वजूहत क्या बनी कि आप अपने अपने घर भी नहीं आप खड़ी कर रहे हैं? सिम्टम्स ये देखें, ये बच्चे क्या करते हैं गली में, ये देख रहे हैं जी। अब मैं क्या करूं बताऊं? दुबई सुबह इंशाल्लाह अपनी दुकान पे होंगे। गाड़ी अभी उन्होंने मांगी भी तो इनको नहीं मिलेगी। इससे पहले हैं हमजा भाई इधर आए, आपकी सवारी में आपको दे दूं। वाला जी ये खड़ा हुआ है, चाबी अंदर ही है। इसको मैंने क्या करना है? ये आप ले जाओ भाई, ये आपका याद से आपका हुआ। वुमेन सिटी दे दियो। वो नहीं हमने दे दी, उसकी चाबी उसी में ही है भाई। अच्छा? जाओ नहीं अब ये उसके घर खड़ी करनी। नहीं नहीं और भाई ये आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। ले जी अल्लाह का शुक्र है हमारी लाली सही सलामत लोधी साहब के गैराज में लग चुकी है और अब इसको अलविदा बोलते हैं और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।